यार अभी दोस्तों फाइनली वो वक्त आ गया दोस्तों, मैं ना ये पर्दे को दोस्तों ऊपर करने वाला हूँ। और अभी दोस्तों फाइनली ना हमारे ये वाले केज में दोस्तों जो कुछ भी है ना रिवील होने जा रहा है। 3 2 1 तो यार अभी अभी दोस्तों मैं एक जगह पे जा रहा हूँ यार, काफी ज़रा बटेर आए हुए हैं एक जगह पे, वहां जाते हैं यार बटेर का शिकार करते हैं। और यार बटेर को हम खाएंगे नहीं, अपने मिनी जू में लाएंगे, हिफाजत से पालेंगे और फिर दोस्तों उसका ना बाइट छोड़ देंगे। तो बाकी यार नीचे मिनी जू में चलते हैं, देखते हैं अपने पेट्स कैसे हैं। यार आप भी सोच रहे होंगे काफी देर से मैंने एक ही जैकेट पहनी है, तो यार सर्दी काफी ज्यादा है यार, इग्नोर करना यार इस जैकेट को, मेरा कोई कसूर नहीं है, सर्दी बहुत ज्यादा है और ऊपर से दोस्तों धूप भी नहीं निकल रही। तो अभी यार नीचे चलते हैं, वहां जाके दोस्तों मैं अपने परिंदों की अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। और यार फर्स्ट टाइम दोस्तों मैं लाइफ में यार बटेर का शिकार करने जा रहा हूँ और मुझे दोस्तों इतनी ज्यादा दोस्तों एक्साइटमेंट है यार बटेर का शिकार करने में। जल्दी से अपने साढ़े के साढ़े पैट्स को दोस्तों डाइट वगैरह डालते हैं यार, फिर आराम से दोस्तों बटेर का शिकार करने चलते हैं। तो यार अभी तो मैं आपको ना एक बात यार बताना ही भूल गया हूँ यार, हमने तो यार जो पैट्स लिए थे वो भी दोस्तों आपको भी रिवील करने हैं, इंशाल्लाह आज ही रिवील करेंगे। और बहुत ज्यादा और भी आपके लिए सरप्राइजेस मैंने रखे हुए हैं यार। ये देखे सुल्तान ने क्यारी का दोस्तों क्या हाल कर दिया यार, ये चेक करें। मैं दोस्तों ऊपर था यार, इसका ध्यान नहीं रख पाया और ये दोस्तों मट्टी में अब खेलेगा और अब सारा का सारा मिनी दूरा इसने दोस्तों गंदा कर देना है। तो यार इस चीज की वजह से दोस्तों मैंने ये दो डब्बे रखे थे और ये देखिए यार इसने क्या अपना हाल कर दिया, सारा मट्टी से दोस्तों भर चुका है, आधा दोस्तों वजन के जितना ना इसने मट्टी अपने आप में भर लिया। तो अभी दोस्तों ये देखे मिनी दूरा ये क्या हाल कर रहा है यार, ये चेक करें। अब हर जगह दोस्तों इसने गंदी कर देनी है, यही दोस्तों डर था जिसकी वजह से ना हमने ये दो बॉक्सेस रखे हुए थे। और अभी दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ये वाला डब्बा भी दोस्तों इधर रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब यार। आज यार आज फाइनली दोस्तों वो दिन आ चुका है जब मैं आपकी मानत आपको लुटाने जा रहा हूँ। तो यार इस केज के अंदर यार जो भी सरप्राइज है ना इंशाल्लाह आज की वीडियो में रिवील हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बाकी दोस्तों हमारे जितने भी बैट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हमारा मजनू दोस्तों मैंने ना इधर अकेला बंद किया हुआ है क्योंकि यार इस केज में ना काफी जरा ये खुश रहता है और केज भी दोस्तों काफी जरा बड़ा है। तो अभी यार एक एक करके ना अपने साढ़े के साढ़े पैट्स को दोस्तों दाना पानी डालते हैं, फिर दोस्तों अपना पैट्स रिवील करके हम इंशाल्लाह बटेर का शिकार करने चलेंगे। तो यार इधर से ना हम ना डाइट वगैरह पकड़ लेते हैं मजनू साहब की। बस यार बहुत हो गया यार, ये तो अपना आप समझ ले सिर में से यार पानी गुजर चुका है यार, इतना बुरा मारा यार मजनू को मैं आपको बता नहीं सकता यार। ये वाला जो मुर्गा ना यार इस पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार। है तो ये हमारा सुल्तान, हमारे मिनी जू का सबसे पहला दोस्तों पेट है, इसको देने का दिल भी नहीं करता और ये दोस्तों बहुत जालिम होता जा रहा है यार। ये चेक करें हमारे मजनू का ना, ये देखें यार ऊपर से ना इसको गंजा कर दिया बेचारे को यार। इस वजह से दोस्तों मैंने इसको अकेले को दोस्तों इधर बंद किया हुआ था ताकि हमारी कोई भी मुर्गी दोस्तों इसके साथ पंगा ना ले। तो यार मैं तो डाइट इसको डालने लगा था बेचारे गरीब को, दोस्तों इसने ना मारना स्टार्ट कर दिया। पीछे हो जाओ अब ना आना मेरे पास, बहुत ज्यादा गुस्सा है मुझे तुम पे। चलो चुटकी तुम भी ना बाहर चल जाओ। ये देखे अभी मैं अंदर गया था, इसकी नजर फिर दोस्तों मजनू के ऊपर ही है। मैं ना पहले मजनू को दोस्तों पकड़ लेता हूँ ताकि ये दोस्तों सेफ हो जाए। तो अभी दोस्तों मैं ना इस वाले केज के अंदर आ गया हूँ यार। ये वाला केज दोस्तों बहुत ही प्यारा बना है यार, ऊपर से इसकी छत देखे यार बहुत ही यार खूबसूरत तरीके का ना बन गया यार। इसका दोस्तों ये जो डोर है ना यार वेल्डर भाई ने 2 महीने के बाद दोस्तों हमें दिया और इसको दोस्तों हम कैसे भूल सकते हैं। इसमें दोस्तों हमने अपने मजनू को दोस्तों छोड़ दिया और अभी दोस्तों ये वाली राइट मजनू को हम लोग डाल देते हैं। तो यार ये देखे इधर से ना इसकी रोटी वगैरह पकड़ते हैं और ये लो मजनू तुम इधर से खाओ और भी दोस्तों डाल देते हैं क्योंकि ना इसको काफी ज्यादा दोस्तों भूख लगी हुई है और माशाल्लाह दोस्तों अपना ये बड़ा भी हो गया है। तो ये लो मजनू आराम से खाओ, बाकी दोस्तों ये वाली डाइट ना हम रात के लिए रख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों मैं इस वाले केज के दोस्तों बाहर आया हूँ काफी ज्यादा अच्छी दोस्तों धूप निकल आई है और अभी दोस्तों इसी खुशी में दोस्तों मैं आपको कालू को भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह यार 2-3 दिन से ना दोस्तों हमने इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पहले से दोस्तों ये काफी ज्यादा बेहतर है और अब दोस्तों धूप में बैठेगा तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और अपने जैक के दोस्तों मैंने पड़ों को दोस्तों खोल दिया, कोई भी टेंशन नहीं है। शिराजी पिजन्स दोस्तों मैंने सुना इतना ज्यादा नहीं फ्लाइंग करते, तो यार अब ना हम किसी भी दोस्तों अपने पिजन्स के पड़ नहीं काटेंगे और हाई फ्लाई पिजन्स भी हमारे पास बहुत जल्द हमारे सेटअप पे आ जाएंगे। लेकिन यार उससे पहले हमने करना क्या है कि यार हमारी जो पिजन्स की लोफ्ट है ना इसको दोस्तों हमने ना कम से कम इतना करना है, लोहे का दोस्तों एक ना पिंजरा वगैरह हम लोग बनवा लेते हैं, इस केज के आगे लग जाएगा और फिर दोस्तों आराम से ना हम लोग इसमें तकरीबन कोई 15-16 पेयर तो एडजस्ट कर ही लेंगे। तो अभी यार धूप तो निकल आई है, मैंने यार अपने सुल्तान को दोस्तों बंद कर दिया और अभी दोस्तों बारी है हमारे चिली मिली की दोस्तों खोलने की। तो यार जल्दी से ना हम लोग इनको बाहर निकाल देते हैं, काफी देर हो गया दोस्तों हमने ना चिली मिली को इकट्ठा नहीं निकाला। और ये देखे यार चिली तो दोस्तों आने का रास्ता ही भूल गई। ये देखे यार इन्होंने तो दोस्तों सुराख कर दिया यार पिंजरे में। ये ले भाई दोस्तों अब मेरा पिंजरे भी न्यू लाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं यार ये काफी तरह पुराने हो गए थे
तो इंशाल्लाह यार दो तीन दिन तक ना दोस्तों ना वुडन केजेस काफी ज़रा दोस्तों ले आएंगे और अपने पेट्स के लिए दोस्तों वो काफी होंगे। तो यार कालू तो हमारा बीमार है दोस्तों, अपना वैसे भी ना ये फाइट आपस में करते नहीं है, तो इनको भी दोस्तों बाहर निकाल देते हैं ताकि यार ये घूम फिर ले। और अभी दोस्तों वो सामने इनकी डाइट पड़ी हुई है, इनको दोस्तों डाइट डाल देते हैं और पिजन्स को दोस्तों हम ना अंदर ही डाइट डाल देते हैं। तो यार ये वाला दोस्तों डस्ट का पूल ना काफी देर से दोस्तों खाली पड़ा हुआ है। आज यार मैंने सोचा अपनी मुर्गियों को दोस्तों अपनी चूजों को ना यार इसमें दाना वगैरह डालती है और आज दोस्तों ये ना इधर ही इंशाल्लाह डाइट वगैरह खाएंगे। एक तो दोस्तों ये जाया भी नहीं होगी और ऊपर से दोस्तों ये आराम से खा भी लेंगे। यार ये देखिए इन्होंने दाने का यार क्या हाल कर दिया। मिली इधर आओ दाना, यार इधर मैंने डाल दिया, इधर से खाओ, इसको भी नहीं पता लगा ये है दाना, इधर से खाओ शाबाश। तो यार अभी फाजली 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 दोस्तों वो टाइम आज का जब दोस्तों मैं आपको इस केज में बताने वाला हूँ कि दोस्तों इस केज में हमने क्या सरप्राइज रखा है। तो यार आपको मैंने हिंट दिया था कि यार वो चीज है जो कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शोर मचाती है। हमने दोस्तों फर्स्ट टाइम ली है लेकिन काफी ज़रा इसका एक्सपीरियंस है क्योंकि दोस्तों हमारे ना हमसायों ने दोस्तों पहले ये रखी हुई थी। तो यार अभी ना हमने ट्वेंटर मार्केट से बहुत ही यार मजे की दोस्तों चीज लाए हैं, काफी ज़रा अच्छी। यार मजे की बात यह है कि ये ब्रीडर पेयर है, अंडे भी दोस्तों इस सीजन में इंशाल्लाह देगा। तो यार अभी बारी आ गया है इस पर्दे को दोस्तों उठाने की, लेकिन पर्दा उठाने से पहले यार मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये दोस्तों सिर्फ एक सरप्राइज है, यानी कि दोस्तों ये सिर्फ एक पेयर, बाकी दोस्तों दो तीन पेयर हम और भी लाए हैं। वो दोस्तों अभी फिलहाल तंदुरुस्त है या नहीं दोस्तों वो चेकिंग के लिए गए हुए हैं हमारे एक भाई हैं उनके पास, वो भी दोस्तों काफी दूर गए हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द दोस्तों आ जाएंगे। तो अभी दोस्तों मैं रैबिट हाउस के ऊपर बैठ गया हूँ, अभी दोस्तों मैं ना आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों वो चीज कौन सी है। तो पहले थोड़ा सा दोस्तों मैं ना आपको दिखा देता हूँ, देख लिया होगा मेरे ख्याल से यार आप लोगों ने देख लिया है। जी हाँ दोस्तों ग्वाइना फॉल दोस्तों हमने अपने सेटअप पे ले आए हैं, ग्वाइना फॉल दोस्तों हमारे मिनी जू में फाइनली 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 दोस्तों आ चुकी है दोस्तों। अब ये ना बहुत ज्यादा दोस्तों हमारा मिनी जू को प्यारा बना देंगी दोस्तों, इधर उधर घूमते हुए काफी ज्यादा ये प्यारी लगेंगी। और यार इनकी आदत भी होती है, ये काफी ज्यादा उड़ती है, छलांगे वगैरह मारती है, तो मिनी जू की खूबसूरती में ना चार चांद दोस्तों ये लगाने वाली है। तो यार जल्दी से ना मैं अपना कपड़ा उठाता हूँ। और यार अभी दोस्तों फाइनली वो वक्त आ गया दोस्तों मैं ना ये पर्दे को दोस्तों ऊपर करने वाला हूँ। और अभी दोस्तों फाइनली ना हमारे ये वाले केज में दोस्तों जो कुछ भी है ना रिवील होने जा रहा है यार आपके सामने है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। तो यार अभी दोस्तों इसका ना रिवील कर देते हैं जी, 3 2 1। और ये ले दोस्तों हमारी गोइंग फॉर मार्शल आपके सामने। ऐसे तो दोस्तों आपको नजर नहीं आएगा यार, अभी दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ मैं इस केज के अंदर जाता हूँ और आपको दोस्तों तसल्ली के साथ दोस्तों पेयर चेक करवाता हूँ कि यार हमारी गोइंग फॉर यार फाइनली हमारी गोइंग फॉर दोस्तों कैसी है। हमारी सारी दोस्तों मुर्गियां एकदम से परेशान हो गई है हमारी कैट को देख के, और हमारी कैटो जो है ना दोस्तों अपनी डाइट को खाने में मसरूफ है। यार बहुत ही प्यारी कैट है यार, जल्दी से 200 सब्सक्राइबर्स करवाओ ताकि यार हम ना आराम से दोस्तों अपनी कैटो को रिवील कर सके। तो अब दोस्तों हम ना ऐसे ही दोस्तों आपको ना इंशाल्लाह जानवर दोस्तों शो करवाएंगे। पहले दोस्तों 200 सब्सक्राइबर्स करवाए, इंशाल्लाह हम अपनी कैटो को रिवील करेंगे। 300 सब्सक्राइबर्स पे दोस्तों उससे बड़ा गिफ्ट, 400 सब्सक्राइबर्स पे उससे बड़ा गिफ्ट, और ऐसे ही दोस्तों हम ना बड़े बड़े एनिमल अपने मिनी जू में ले आएंगे। और दोस्तों इनको रिवील करने के बीच में दोस्तों जो गैप आएगा ना वहाँ भी दोस्तों हम काफी सारा एनिमल अपने मिनी जू के लिए ले आएंगे, क्योंकि दोस्तों अब हमने ना अपने मिनी जू को यार बहुत जल्द दोस्तों एनिमल के साथ भर देना है। तो इधर दोस्तों माशाल्लाह से मैंने ना अपने सारे के सारे पिजन्स को ना अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों डाइट वगैरह डाल दिया है और ये दोस्तों मजे के साथ खा रहे हैं। यार मुझे तो ना इनके बेबीज आने का बहुत ज्यादा इंतजार है, आपको दोस्तों कितना इंतजार है आप कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो यार अपना मिनी जू देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है। कभी दोस्तों एक वक्त था कि हमारे पास दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये वाला केज था और साथ में जो छोटा केज है ना दोस्तों वो था, और आज अल्लाह का शुक्र है यार अल्लाह ने बहुत ज्यादा दोस्तों नवाज है। और दोस्तों मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि यार हमारे सेटअप पे दोस्तों ग्वाइना फॉल आ गई है। यार ये कितनी ज्यादा दोस्तों प्यारी लगेंगी हमारे इस प्यारे से मिनी जू में दोस्तों घूमते हुए, कभी दोस्तों एक उधर घूमेगी एक इधर। और दोस्तों अभी ना हमने सिर्फ दो लाई हैं, इंशाल्लाह दोस्तों अब हम ना दो व्हाइट में लाएंगे। तो यार बिना देर किए ना आपको हम दिखाई देते हैं। तो यार हम ना दोस्तों कल इनको ना ट्वेंटर मार्केट से माशाल्लाह ले आए थे दोस्तों, मैं तो बेताब हुआ हूँ यार इनकी ना आवाज सुनने के लिए। तो यार जल्दी से मैं अंदर जाता हूँ और फिर दोस्तों आपको ना तसल्ली के साथ ये चेक करवाता हूँ। तो अभी दोस्तों फाइनली दोस्तों मैं इस वाले केज के दोस्तों अंदर जाने वाला हूँ, मुझे दोस्तों बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, साथ ही साथ दोस्तों मैं बहुत ज्यादा दोस्तों एक्साइटेड हूँ यार इस केज के अंदर जाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों ये वाला कदम मैंने अंदर रख दिया है और अभी दोस्तों मैंने इस केज के अंदर दोस्तों आ गया हूँ, कहीं यार ये उड़ ना जाए। वैसे दोस्तों भाई ने इनके पर वगैरह काट दिए थे, वो यार बोल रहे थे ये काफी ज्यादा फ्लाइंग करती है, तो मैंने बोला यार फिर आप कुछ ऐसा करें कि यार ये हमारे मिनी जू से ना भागे ना, तो यार उन्होंने ना इसके पर वगैरह ट्रिम कर दिए हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों आप ना इनकी खूबसूरती यार चेक करें, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दोस्तों कितना ज्यादा यार इनको प्यारा बनाया है। तो अगर दोस्तों मैं अपने मिनी जू का सबसे प्यारा बर्ड दोस्तों इनको बोलूँ ना तो शायद दोस्तों वो बात भी गलत ना हो, यार बहुत ज्यादा दोस्तों मुझे ना प्यारे लग रहे हैं। और अभी
दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। ये जो दोस्तों आप इसके ऊपर ताज सा देख रहे हैं ना यार, ये वाला मेल है और वो दोस्तों पीछे वाली यार फीमेल है। और भाई बोल रहे थे इंशाल्लाह ये सीजन आते साथ अंडे भी देंगी। यार हमें ये नहीं पता आप चकोर का दोस्तों सीजन कौन सा होता है, ग्वाइनोफॉल का यार सीजन कौन सा होता है, तो यार आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि यार हमारी ये ग्वाइनोफॉल कब अंडे वगैरह देंगी। यार अब ना मेरी वेल्डर भाई से दोस्तों फाइनली दोस्तों बात हो गई है। वो कह रहे हैं यार एक दो दिन तक इंशाल्लाह मैं आऊंगा, हो सकता है वो कह रहे हैं यार मैं कल अपने काम से फ्री हो जाऊं और कल ही दोस्तों वो आके ना इसकी जाली वगैरह लगा दें। और मैंने बोला यार आप आ जाए बस इसकी जाली वगैरह हमें लगा दें। और बाकी दोस्तों ये जो हमारी छत का काम है ना यार, मैंने बोला ये हम खुद ही कर लेंगे यार, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के जिस तरह हमने दोस्तों ये वाली अच्छी सी छत डाल दी तो इसकी भी दोस्तों छत का कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। मैंने बोला यार आप सिर्फ और सिर्फ ना हमारी जाली लगा दें, बाकी दोस्तों हम अपनी पैरेंट सिटी का खुद ही डेकोर कर लेंगे। यार अभी हमने पेंट भी करना है यार अपने मिनी जू को, यार मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अभी तो हमारे मिनी जू का हाफ काम भी दोस्तों नहीं हुआ, अभी तो इतने ज्यादा पैट्स भी आने हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ना ग्वाइनोफॉल को बाहर निकालते हैं, पर तो वैसे भी इनको ट्रिम हुए हुए हैं लेकिन अभी भी यार मैंने देखा ये पिंजरे के अंदर भी ना काफी ज्यादा ऊंची छलांगे लगा लेती है। तो यार अभी दोस्तों हम ना इनका और अपने मुर्गियों का दोस्तों इकट्ठा छोड़ के यार रिएक्शन चेक करते हैं, अपनी डक के साथ भी रिएक्शन चेक करेंगे कि यार हमारी ग्वाइनोफॉल का दोस्तों अपने सारे के सारे पैट्स के साथ क्या रिएक्शन होता है। उसके अलावा दोस्तों इंशाल्लाह 200 सब्सक्राइबर्स पे ना हम अपनी कैटो का भी दोस्तों इन सब पैट्स के साथ ना रिएक्शन चेक करेंगे। कैटो का दोस्तों खुला छोड़ देंगे अपने सारे के सारे पैट्स के साथ, देखेंगे यार उनका क्या रिएक्शन होता है। यार दरवाजा दोस्तों मैंने बाहर खोल दिया है, अभी है चाहे तो बाहर निकल सकती हैं। कि यार फर्स्ट टाइम ये ना हमारे सेटअप में दोस्तों बाहर आ रही हैं, ये भी डर है यार कहीं ये उड़ ना जाए। उसके अलावा दोस्तों मैं सोच रहा हूँ यार हमने बर्ड्स तो रखने ही रखने हैं, साथ में दोस्तों हम ना ग्वाइनोफॉल कभी ना इनके अंदर ही दोस्तों सेटअप लगा लेंगे ताकि दोस्तों इसके अंदर ही ना ये ब्रीडिंग वगैरह कर सके। यार काफी ज्यादा बड़ा ही केज है, अभी दोस्तों ऊपर कपड़ा वगैरह पड़ा हुआ है इस वजह से ये छोटा लग रहा है, लेकिन है दोस्तों ये बहुत बड़ा केज। और अभी दोस्तों हमारी ग्वाइनोफॉल बाहर आने वाली है, कुछ ही देर में इनको बाहर निकाल देते हैं इस स्टिक की मदद से। जल्दी से दोस्तों मैंने इनको बाहर निकाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आजो 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 हमारे सेटअप पे, फर्स्ट कदम रखो बाहर, फर्स्ट कदम। ये दोस्तों हमारी फीमेल ने फर्स्ट कदम माशाल्लाह हमारे सेटअप पे रख दिया, बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मेल ने दोस्तों भी फर्स्ट कदम नहीं रखा लेकिन फीमेल ने दोस्तों रख दिया माशाल्लाह। दोबारा भी दोस्तों फीमेल ने कदम रखा है माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह यार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है हमारे मिनी जू में। यार अभी ना ऐसे ही दोस्तों ही घुमा करेंगी। और अभी दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है यार इनको ना बाहर वगैरह फिरने के लिए। यार एक दो दिन तक ना दोस्तों ये इसी केज में ठहरेंगी और बाद में दोस्तों ये वाली अवेडी हो जाएगी जी बर्ड्स की, और इनका दोस्तों हम ना इधर ही कहीं दोस्तों सेटअप वगैरह लगा लेंगे। और भी दोस्तों हम ना व्हाइट ग्वाइनोफॉल भी इंशाल्लाह लाएंगे। और वो सामने देखिए यार मुर्गा सील आ गया है। यार इस मुर्गे का ना दोस्तों मैं आपको पास जाके दोस्तों शो करवाता हूँ, बहुत आला क्वालिटी का ये मुर्गा है। तो अभी दोस्तों हमारी ग्वाइनोफॉल तो माशाल्लाह से खुल चुकी है और अभी दोस्तों हमारे सारे के सारे मुर्गियां भी दोस्तों बाहर खुलने वाली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह दोस्तों हमने रिएक्शन चेक करते हैं यार हमारी ग्वाइनोफॉल का और हमारी मुर्गियों का दोस्तों आपस में ना क्या रिएक्शन होता है। माशाल्लाह दोस्तों हमारे सारे के सारे पैट्स इकट्ठा घूमना स्टार्ट हो गए हैं, अभी तक तो दोस्तों सब कुछ ठीक ही जा रहा है और मुझे लगता है यार इतना कोई खास रिएक्शन होगा नहीं, बस यार सही है। यार इनका दोस्तों आपने प्यारा सा नाम यार कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना यार, अब बताना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कॉमेंट करके ना हमारी ग्वाइनोफॉल का यार नाम भी ना आप क्यूट सा बता देना। ये देखिए यार झगड़िया झगड़िया यार ग्वाइनोफॉल ना हमारी चुटकी को दोस्तों मार रही है। यार हमारे मुर्गे मैं सोच रहा था इनको मारेंगे लेकिन यार ये तो बहुत चराग निकली है, हमारे सारे के सारे मुर्गों को ही दोस्तों इन्होंने भगा दिया है। और ये देखिए यार मुर्गियों को कैसे भगा रही है, ये देखिए यार पास जा के मार रही है उनको। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कालू भी दोस्तों माशाल्लाह पहले से काफी जरा बेहतर हो गया। यार ये ना सबसे बड़ी बात हमारा कालू सही हो जाए, बाकी दोस्तों कोई बात नहीं है। तो अब जब दोस्तों सारे के सारे पैट्स खुले हैं तो यार हमारा मजनू दोस्तों कैसे पीछे रह सकता है, तो मजनू तुम भी बाहर आ जाओ। यार अभी ना सुल्तान को दोस्तों हम नहीं खोलने वाले, यार सुल्तान ना सारी रंग में भंग डाल देगा यार सबको मारता है। और दोस्तों सब ना पैट्स इससे डरते हैं, ये डर है यार कहीं ग्वाइनोफॉल की और हमारे सुल्तान की दोस्तों आपस में फाइट ना हो जाए। ये देखिए यार चूजों को भी मार रही है। यार कोई बात नहीं यार, एक दो दिन तक ना इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएंगी। यार मजनू हमारा काफी ज्यादा दोस्तों डर रहा है यार इनसे ना, मजनू को दोस्तों ऐसा करते हैं यार इसके केज में ना बंद ही कर देते हैं क्योंकि दोस्तों ये ना काफी ज्यादा दोस्तों हमारी ग्वाइनोफॉल से दोस्तों डर रहा है। यार जी देखिए यार देखिए यार हमारे मुर्गे के ऊपर यार कैसे ना ये अटैक वगैरह कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों मैं वो वाले मुर्गे को आपको शो करवाता हूँ। यार ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों खुश हो रही है। यार ये ना छोटे से पिंजरे के अंदर थे जहाँ से दोस्तों हमने इनको लेके आए हैं और यार अभी इनको काफी देर के बाद आजादी मिली है, तो यार काफी ज़रा ये ना खुश हो रही है। ये देखिए यार कैसे भाग भाग के ना मुर्गियों के साथ दोस्तों खेल रही हैं। एक दोस्तों मुर्गा हमारा वो वाला है और एक दोस्तों ये वाला, अभी देखते हैं यार इन दोनों का दोस्तों आपस में क्या रिएक्शन होता है। हमारा सुल्तान दोस्तों वो देखिए यार भाग ही गया। यार मैंने यार डराना नहीं था, बस रिएक्शन ही चेक करना था
यार इस वाले मुर्गे का और उसका दोस्तों क्या रिएक्शन होता है। यार आज एक बात का तो मुझे अंदाजा हो गया यार, हमारा सुल्तान दोस्तों जितना मर्जी लड़ाका है ना, उस मुर्गे के सामने यार ये कुछ भी नहीं कर पाया। उस मुर्गे को यार देख के या फिर ये भाग गया या फिर दोस्त अपने मिनी जू की तरफ ये आया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो मुर्गा इधर आया ना यार ये भाग गया, तो यार ये रहा मुझे काफी जरा इस पर अफसोस हुआ है। वैसे दोस्तों हमें मारता रहता है यार, जब उस मुर्गे को देखा तो यार इसकी बोल भी बंद हो गई है। तो यार ये काफी जरा दोस्तों बड़ी उम्र का दोस्तों मुर्गा है, और यार इसके कील चेक करे माशाला बहुत ही दोस्तों प्यारा ये मुर्गा है हमारा सुल्तान दोस्तों, इसके सामने बिल्कुल बच्चा है और ये दोस्तों बहुत ही माशाला ना प्यारा मुर्गा है। ये चेक करे माशाला दोस्तों, आप मुर्गे का शौक चेक करें। ये वाला पेड़ दोस्तों हमने ना काफी जरा मुश्किल के साथ दोस्तों भाई को कह के मंगवाया दोस्तों, ये ना उधर है नहीं थी मार्केट में। और अभी दोस्तों हमने ना व्हाइट पेड़ का भी माशाल्लाह से ना भाई को बोला हुआ है, जैसे ही दोस्तों आएगा ना वो भी हम ले आएंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों जैसे ही सीजन आएगा ना इनका हमना एक दो पेड़ और भी ले आएंगे, ताकि दोस्तों हमारा ये वाला केज बर्ड्स के साथ और दोस्तों हमारी गुआना फॉल के साथ बढ़ जाए। तो बाकी दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और आपके अपने चैनल ब्लीच बर्ड्स फैमिली को सब्सक्राइब भी लाजमी से कीजिएगा। मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़।